आरोपियों को मास्क लगाने और सार्वजनिक जगह पर ना थूकने की सलाह देना डॉक्टर को पड़ा भारी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस महामारी के दौरान पीड़ितों की जान बचाने में जहां पर डॉक्टर अहम भूमिका अदा कर रहे हैं, वहीं प्रदेश में भी डॉक्टर पर हमला कर उसकी पिटाई का मामला सामने आया है। डॉक्टर निशांत का कसूर इतना था कि वह आरोपियों को सार्वजनिक जगह पर मास्क लगाने और ना थूकने की सलाह दे रहे थे, लेकिन ये आरोपी कुछ दिन बाद डॉक्टर के घर पहुंचे और डॉक्टर की पिटाई कर दी। हालांकि इस पर एसोसिएशन ने जिला अध्यक्ष डॉक्टर सतीश शर्मा की अगुवाई में हॉस्पिटल में आपात बैठक भी की है और घटना की निंदा की। साथ ही डॉक्टर एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि इस घटना में संलिप्त लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। जिला अध्यक्ष डॉक्टर सतीश शर्मा ने बताया कि डॉक्टर निशांत अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और कुछ लोगों को उन्होंने सलाह दी थी कि वह सार्वजनिक जगह पर ना थूकें और अपने मास्क लगाएं। इस बात को लेकर ही लोगों ने डॉक्टर की पिटाई कर दी है। सिविल डिस्पेंसरी रोड़ा में डॉक्टर निशांत है, जिनकी ड्यूटी GNV कोठीपुरा में रिलीफ कैंप में लगी हुई है। तो कल वो अपने, क्योंकि क्वारंटाइन हुए हैं, अब वो ड्यूटी देने के बाद 3 दिन का उनको ऑफ था, तो जा रहे थे वो खाना लेने के लिए। तो कुछ दिन पहले की घटना ये है कि उन्होंने कुछ व्यक्तियों को जो कुछ मार्केट में सब्जियां ले रहे थे, किसको ये कहा था कि मास्क लगा के आया करो और पब्लिक प्लेसेस में थूका नहीं करो। तो जब वो वहाँ अपने घर के पास गए तो वहाँ कुछ व्यक्ति आके उनको रोकते हैं, और 5 लोग थे वो, और फिर डॉक्टर साहब के सामने थूक के कहते कि अब बताओ आप क्या करोगे। फिर उनको बाहर निकाल के उनकी पिटाई की गई, जिसके लिए उनके इलाज के लिए फिर क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर लाया गया। तो ऐसे कोरोना वायरस की अगर ऐसे ही पिटाई होती रही तो इसकी तो हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, तुरंत की जाए, ताकि हम अपनी कार्य ढंग से दे सकें और देख ऑफ दे सकें। तो मेरी सरकार से यही अनुरोध रहेगा कि हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जबकि थाना प्रभारी DSP अजय ठाकुर का कहना है कि पुलिस इस मामले में गहनता से छानबीन कर रही है और जो भी उचित कार्रवाई होगी वह अमल में लाई जाएगी।